तो वहीं मधुबनी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी नेता पूर्व विधायक सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के घर सहित कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको फिर से बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद के घर सहित कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की कई टीम राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। हम आपको नगर के स्टेडियम रोड स्थित आवास का नजारा दिखा रहे हैं, जहां सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मौके पर आरजेडी के कई नेता और समर्थक भी पहुंचे, जिन्होंने भाजपा पर भड़ास निकाला। मौके पर सुरक्षा हेतु सीआरपीएफ की टीम तैनात रही। लोगों की माने तो सीबीआई की टीम सुबह 4 बजे से ही छापेमारी में जुटी रही। आपको बता दें कि फैयाज अहमद के जिले में कई शिक्षण संस्थान, स्कूल, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के साथ मधुबनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी हैं। वहीं मौके पर मौजूद राजद नेताओं ने कहा कि वे लोग ईडी और सीबीआई की छापेमारी से नहीं डरते, इस छापेमारी को भाजपा द्वारा प्रायोजित बताया। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि प्रायोजित है। आप याद कीजिए, जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये गिरिराज सिंह का बयान, आपके बिस्फी के विधानसभा के विधायक श्री बचौल के बयान को आप स्मरण कीजिए कि उन्होंने कहा था कि बिहार पटना में ईडी और सीबीआई आ चुका है और अब एक एक लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 3 नेता अशफाक करीम कटिहार से, जो राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के बिहार के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह जो एमएलसी हैं और विश्वमान के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर फैयाज अहमद जो शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, तीनों लोगों